इस वक्त लाहौर वजीर आजम इमरान खान रावी किनारे पहुंच गए हैं। रावी किनारे शहर बसाने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज खड़ा हूँ जिधर हमने प्लान किया हुआ है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है और इसके ज़रा मैं अपनी कौम को मकसद बता दूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत है एक नए शहर की लाहौर के करीब। सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर अगर जिस तरह फैलता गया तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आना है कि पानी जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती जा रही है। दूसरी चीज़ वेस्ट डिस्पोज़ल, जिस तरह फैलता जाएगा हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अभी भी बड़े मसले हैं क्योंकि फैलता गया लाहौर। तीसरी चीज़ ये कि जो रावी का दरिया है वो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है और वो बन जाएगा एक सिर्फ सीवरेज का नाला। तकरीबन अगर आप सर्दियों में देखें, अभी थोड़ा पानी आया है तो वो सारा सीवरेज जाता है और वो फिर सीधा दरियाए सिंध में जाता है और सारा नीचे तक दरियाओं के अंदर पोल्यूशन करता है। फिर अगर ये नहीं बनता शहर तो वैसे ही लाहौर यहाँ पहुँच रहा है। रास्ते में आप देखें घर पहुंचते जा रहे हैं, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही हैं, प्लानिंग कोई है नहीं और उनके पास भी कोई सीवरेज का, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो वैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा। तो कोशिश ये हो रही है और मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है सबसे पहले और मॉडर्न सिटी बन रही है, जो कि अब दुनिया में जो जो नए शहर बने हैं मॉडर्न सिटीज़ हैं, मलेशिया में, दुबई के अंदर, ये उसके तर्ज के ऊपर एक नया शहर और फिर ये ऊपर जाएगा। और फिर जो इन्वायरमेंट की, मैं आपको बता दूँ कि हमारी वो पार्टी है, इससे पहले तो कभी किसी ने बात ही नहीं की थी माहौलियात की, तो सबसे पहले पार्टी है जिसने आज दुनिया में रिकग्नाइज़ करते हैं कि हमने पहले 1 अरब दरख्त उगाया पख्तूनख्वा में और अब हम 10 अरब सारे पाकिस्तान में दरख्त उगा रहे हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ दरख्त उगाएंगे, यहाँ पूरा जंगल इसके साथ बनेगा, तो मॉडर्न सिटी भी बनेगी, पूरा एक प्लान्ड एक जंगल बन रहा है जो कि ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी आबो हवा को साफ रखेगा। फिर रावी को बचाया जाएगा, इसके ऊपर बराजेस बनेंगे, इसके पानी को यहाँ एक बड़ी एक बराज बन के पानी को रोका जाएगा, उससे वाटर टेबल ऊपर आएगी। फिर यहाँ सारी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, जो सीवरेज जा रहे हैं रावी के अंदर वो सारे ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी को रावी में फेंकेंगे ताकि नीचे तक जो इस वक्त गंदगी जा रही है वो सिंध तक जाती है वो ना जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे 20 अरब डॉलर, ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा। इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, 1.5 अरब डॉलर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, तो इससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे सारी इकॉनमी, क्योंकि ये जब पूरा शहर बनेगा तो इससे 30-40 इंडस्ट्रीज चलेंगी, रोज़गार मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। तो मैं सारे अपनी अपनी कौम से बताना चाहता हूँ कि हमें जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ज़रूरत है और शहरों की, नए शहरों की, और वो नए शहरों की इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर उतरे, जो बड़े बड़े हमारे कराची है शहर, लाहौर है, कराची के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि एक बंडल आइलैंड उसके ऊपर एक पूरा नया शहर बन जाए, बदकिस्मती से वो सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रुकावटें डाल दी हैं, उससे भी कराची के ऊपर प्रेशर उतरना था। अगर इसी तरह शहर फैलते गए, ना हम पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं, ना वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, ना लोगों को सहूलतें दे सकते हैं, ना उनको जितना जितना शहर फैलता जाएगा ना उनको गैस, बिजली, जो इम्यूनिटीज़ हैं, साफ़ पानी, ये सारी चीज़ें जो कराची में अब मसले आ रहे हैं, ये सारे शहरों में आने शुरू हो जाएंगे। तो आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमारा मीडिया भी, पहले आपको हम सारों को
ڈیٹیلز دیں گے اس کی پوری ایک ایک, اس کے اوپر بڑی تفصیل پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, تو میڈیا کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں بڑی دیر کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے.